इंसान के जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो अकल के दरवाजे पे एक दस्तक होती है, और उसी रास्ते पे चल के तो मौत के दरवाजे तक जाते हैं। तेईस में हैट्रिक लगाने के बाद अब एक बार फिर से 2024 में शाहरुख खान धूम मचाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले खबर आई थी कि शाहरुख खान अपने 2024 में रिलीज होने वाली तीन मूवी के अनाउंसमेंट करने वाले हैं। आने वाले किसी भी समय में हमें शाहरुख खान की अगले आने वाली तीन फिल्मों के बारे में पता चल सकता है, लेकिन आज यहाँ हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान के सैल्यूट मूवी की। इस मूवी की अनाउंसमेंट तो वैसे काफी समय पहले ही कर दी गई थी, लेकिन अभी तक इस फिल्म पर काम शुरू नहीं हो पाया था। और आपको बता देते हैं कि ये एक बायोग्राफिकल फिल्म होने वाली है, जिसमें हमें भारत के पहले अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा की लाइफ के बारे में बताया जाएगा। वैसे तो इस मूवी की अनाउंसमेंट लगभग 3-4 साल पहले हो गई थी, लेकिन बीच में शाहरुख खान की दो फिल्में फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लेने का फैसला किया था, लेकिन 2023 में उन्होंने जबरदस्त कमबैक किया और 2023 के अंदर ही इनकी तीन फिल्में रिलीज हुई और तीनों ही ब्लॉकबस्टर रही। अब 2024 में भी शाहरुख खान कुछ हटकर करने वाले हैं, इसीलिए हो सकता है कि इस साल हमें सैल्यूट मूवी की शूटिंग भी शुरू होते हुए दिखाई दी जाए। आने वाले समय में हमें सैल्यूट फिल्म को लेकर पक्की खबर मिल जाएगी। वहीं बात करें सैल्यूट फिल्म की कास्टिंग की, तो फिल्म में लीड रोल में शाहरुख खान देखने को मिलने वाले हैं और उनके साथ हीरोइन के रोल में फातिमा सना देखने को मिलेंगी। फिल्म की बाकी कास्टिंग को लेकर अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है, लेकिन फिल्म में हमें और भी कई बड़े कलाकार देखने को मिल सकते हैं और आने वाले समय में फिल्म की बाकी कास्टिंग को लेकर सब कुछ सुनने को मिल जाएगा। अब बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो फिल्म के डायरेक्टर को लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है, लेकिन सिद्धार्थ राय कपूर का नाम डायरेक्टर के लिए सामने आ रहा है। जब फिल्म की अनाउंसमेंट होगी उस समय हमें फिल्म की बाकी की अपडेट्स भी दी जाएगी, तब तक के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं बात करें फिल्म की रिलीज डेट की, तो अभी तक हमें फिल्म के लिए काफी इंतजार तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि अभी तक तो फिल्म की अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है। और अगर फिल्म की अनाउंसमेंट जल्दी कर दी जाती है तो ये फिल्म हमें इसी साल या अगले साल के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सैल्यूट मूवी एक बायोपिक होने वाली है जिसमें काफी सर्चिंग करनी पड़ेगी। वैसे भी ये एक स्पेस रिलेटेड है जिसमें काफी VFX का यूज किया जाएगा, इसलिए फिल्म की शूटिंग में काफी समय रहने वाला है। बात करें फिल्म के बजट की, तो फिल्म का बजट भी काफी बड़ा होगा, क्योंकि ये फिल्म शाहरुख खान की है और शाहरुख खान की फीस काफी ज्यादा होती है, इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म का बजट कितना बड़ा हो सकता है। अब बस हमें फिल्म की अनाउंसमेंट का इंतजार है। फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद हमें फिल्म को लेकर कई सारे बड़े अपडेट्स मिल जाएंगे और हो सकता है कि अनाउंसमेंट के साथ साथ फिल्म का कोई पोस्टर या अनाउंसमेंट वीडियो देखने को मिल जाए। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि मेकर्स ने फिल्म को लेकर क्या क्या सोच के रखा हुआ है। वैसे आप सैल्यूट मूवी को लेकर क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल AG फिल्म्स ट्रेलर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।